जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मरीजों के परिजनों से हॉस्पिटल में प्रवेश के लिए रुपए लेने वाले 3 सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। कल 17 मार्च को दोपहर सोशल मीडिया पर संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों के अटेंडर परिजनों से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रवेश के लिए सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रुपए लिए जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई के लिए कल शाम स्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश कुमार साहू द्वारा थाना चक्रधर नगर में आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के अवैध उगाही संबंधी प्राप्त हुए आवेदन से पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन पत्र पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किए। थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव आहिर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी के विरुद्ध धारा 384, 418, 34 IPC के तहत अपराध पंजीकृत कर तत्काल अपने स्टाफ के साथ मेडिकल कॉलेज रवाना हुए और मौके पर पूछताछ कर हॉस्पिटल में निशुल्क प्रवेश व्यवस्था के विरुद्ध मरीजों के परिजनों से अनैतिक रूप से जबरन रुपए की वसूली करने वाले बुंदेला सिक्योरिटी बिलासपुर के तीनों सिक्योरिटी गार्ड आरोपी रविशंकर गौतम, ओम प्रकाश पाटिल, शिवेंद्र शुक्ला सभी मेडिकल कॉलेज रायगढ़ को हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ से प्रेम अग्रवाल की खास रिपोर्ट। मामला ये है कि मेडिकल कॉलेज के जो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि बुंदेला सिक्योरिटीज बिलासपुर के जो कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनमें रविशंकर गौतम, ओम प्रकाश पटेल, शिवेंद्र शुक्ला, इनके द्वारा जो मरीज के परिजन आते हैं जिन्हें गेट पास जारी किया जाता है निःशुल्क, उसके एवज में इनके द्वारा अवैध रूप से 100 रुपया या अन्य तरीके से पैसे की मांग की जाती है और नहीं दिए जाने की स्थिति में इन्हें डराया धमकाया जाता है कि आवेदन प्राप्त होने पर थाना चक्रधर नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 384, 418, 34 IPC के तहत, और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात टीम गठित कर इन जो नामजद आरोपी रविशंकर गौतम जो कि सीधी मध्य प्रदेश, ओम प्रकाश पटेल जो और शिवेन शुक्ला, इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर थाना चक्रधर नगर लाया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। इनमें कोई वीडियो भी वायरल हुआ था सर इनका? वीडियो के संबंध में इनको जानकारी दी गई है, उसमें भी तस्दीक की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।